सूजी के ढोकले की रेसिपी बताने जा रही हूँ और बहुत ही जल्दी यह ढोकले बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने इस बाउल से नापकर 2 बाउल सूजी ली हुई है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। मैं इसमें 4 चम्मच भर के अच्छे से दही डालूंगी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, सूजी है थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा इसमें। हमको इसका घोल बनाकर 1 घंटे के लिए रख देना है दही और पानी से। बाद में मैं इसमें और चीज़ें मिलाऊंगी बनाते टाइम। अभी हम इसका घोल बनाकर 1 घंटे के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि सूजी पानी सोखती है। ले लीजिए, तैयार है घोल। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद मैं बनाऊंगी ढोकले, आगे मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। बैटर को रेस्ट किए 1 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको खोलकर देखती हूँ, एकदम परफेक्ट बैटर है। हमको इसमें अब कुछ भी नहीं मिलाना है। अब मैं डालूंगी इसमें तेल 1 चम्मच, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का तेल डालने से स्मेल आ जाती है, इसलिए आप भी रिफाइंड तेल ही यूज़ कीजिएगा। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च अदरक डाल सकते हैं। अभी मैं इसको बाद में फ्राई करूंगी तब डालूंगी, इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ ये सब चीज़ें। अगर आपको पसंद हो तो आप अभी भी डाल सकते हैं और बाद में भी, क्योंकि इनको फ्राई करना ही होता है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 पाउच ईनो का। जैसे ही हम ईनो डालेंगे, हमको इसको ज़्यादा नहीं वो करना है, चलाना है। अब हम इसको पलट देंगे टिन में जिसमें हम बना रहे हैं। टिन को हमको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा इसमें। अब हम इसमें पलट देंगे बैटर को। अब मैं इसको गरम पानी में कढ़ाई में रखूंगी। ले लीजिए, हमारा पानी गरम हो चुका है। मैंने पहले ही कढ़ाई में पानी रख दिया था गरम करने के लिए। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, स्टैंड भी आता है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें ही बना सकते हैं। अब मैं इसमें इस केक टिन को रख दूंगी। हमको ऐसी प्लेट थाली लेना है जिससे क्या है प्रॉपर तरीके से ढक जाए, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। इसको पकने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में हमारा ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको खोल कर देखते हैं। देखिए कितना अच्छा खुल चुका है। अब मैं इसको चेक करूंगी पका है अभी पूरी कैसे कि नहीं। अभी थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी क्योंकि ये सट रहा है, देखिए नाइफ में। इसको चेक करती हूँ, मैंने 5 मिनट और इसको रखा है पकने के लिए। कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है, जरूरी नहीं कि 10 मिनट में ही पक कर तैयार हो जाए। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी नहीं सट रहा है, मतलब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको निकाल लूंगी। अब मैं इसको ठंडा करके फ्राई करूंगी। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारे ढोकले भी ठंडे हो चुके हैं, मैंने उनको पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें सरसों। हरी मिर्च, मैंने हरी मिर्च को इस टाइप लंबा लंबा कट कर लिया है। मैं डाल दूंगी प्याज और अदरक, दोनों मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं। और ये है करी पत्ता जिसको मीठी में बोलते हैं। अब
इनको हल्का सा पकाना है, ना कि ब्राउन करना है। एक ढोकला मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए, बस हमको इसको इतना ही पकाना है। अब मैं डाल दूँगी इसमें ढोकले, जिसको कि मैंने स्लाइस पीसेस में कट कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ढोकले बनकर तैयार होते हैं। हमको इसमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। अब हम इनको स्लाइस मिला देंगे अच्छे से। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया। अब आप इसको चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। मैं इसको टमाटर की चटनी के साथ हम लोग खाना पसंद करते हैं।